छुरी भी रखते हैं तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के क्या बोले हम, जय भीम जय भीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। ओवैसी को फिलिस्तीन से मोहब्बत है मगर भारत माता से नहीं, तभी तो साल बदलने पर भी ओवैसी की फितरत नहीं बदली। संसद में फिलिस्तीन की जय का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की भारत माता की जय के नाम पर जुबान सिल जाती है। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं, यो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है। ये किसका वफादार बनना चाहते हैं, कहीं ये हमास के तो नहीं? भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। लोकसभा के पटल का ओवैसी ने अपमान किया है। अब सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या ओवैसी पर फ्यूचर में कोई बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ओवैसी की दोबारा शपथ लेने की मांग उठाई गई है, उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की डिमांड की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी ओवैसी की शिकायत दर्ज कराई गई है। ओवैसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी शपथ पर बवाल इतना बढ़ जाएगा, इसलिए भड़काऊ भाईजान अब बैकफुट पर। कैमरे के आगे धारा प्रवाह बोलने वाले ओवैसी अब कैमरे पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। लंबे चौड़े जवाब देने वाले ओवैसी जय फलस्तीन से जुड़े सवालों को चंद लाइनों में ही समेट दे रहे हैं। We're asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। उनकी राजनीति में मजहब का जबरदस्त छौंका लगता है, मगर बीते कुछ टाइम से ओवैसी शब्दों को वोट बैंक की आंच पर पकाने लगे, क्योंकि 2004 में ओवैसी जब पहली बार सांसद बने तब उनकी शपथ पर कोई बखेड़ा नहीं हुआ। 2009 में भी ओवैसी ने दूसरी बार सांसदी की शपथ ली तो वहां भी किसी तरह का विवाद नहीं था। 2014 में भी ओवैसी की शपथ पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन 2019 से उन्होंने रॉन्ग टर्न लेना शुरू कर दिया। 5 साल पहले शपथ के दौरान ओवैसी ने भारत माता की जय पर जवाब नहीं दिया, और अब 2024 में जय फिलिस्तीन बोलकर नई तरह की सियासत को उन्होंने हवा दे दी। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाले ओवैसी 5वीं बार हैदराबाद से सांसद बने। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि शपथ में किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ओवैसी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो दम अगर है तो। इस मातृभूमि का अनाज काटते हुए, इस मातृभूमि से हर व्यवस्था ये पाते हुए, इस मातृभूमि में अपने पैसे और बंगले बनाते हुए, इस मातृभूमि में सांसद बनकर ये किसका वफादार बनना चाहते हैं? कहीं ये हमास के तो नहीं, कहीं ये हमास के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं? ये क्या करने लग गए हैं, अपना नाम करने के लिए, अपना खुद गर्जी के लिए? क्या ये देश को भी दांव पे लगाना चाह रहा है? मैं तो कहूंगा संविधान के विरुद्ध उन्होंने किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो भारत को क्या सीरिया बना देना चाहते हैं? और जो दृश्य उन्होंने उपस्थित की वो धीरे धीरे उनके मन में गजवाए हिंद जैसी चीजें आ रहा है, जिसके कारण ऐसी ऐसी बातें बोल। ओवैसी के फिलिस्तीन वाले नारे को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन बीजेपी संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत हमलावर। अनुच्छेद 102 बी कहता है कि अगर कोई सदस्य किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो
तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। जबकि 103 के मुताबिक यदि अनुच्छेद 102 के तहत कोई अयोग्य पाया जाता है तो उस सांसद की सदस्यता पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ने। ओवैसी के लिए टेंशन की बात यह है कि वो संसद में अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और इस मुद्दे पर उन्हें विपक्षी नेताओं का साथ भी नहीं मिल रहा है। भारत की संविधान की धारा 102(d) के अनुसार विदेशी राष्ट्र का हिमायती नारा लगाना असंवैधानिक असंसदीय है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो धाराएं हैं उसमें से एक 102(d) है। ओवैसी की ऐसी घटिया असंवैधानिक विदेशी गुणगान करने वाली ये कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं थी इन चीज़ों की। हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये स्पीकर साहब का और उसका फैसला है, वो उसे कैसे लेते हैं। ओवैसी अपनी शपथ पर कायम है तो फिलिस्तीन पर हिंदुस्तान का भी स्टैंड क्लियर है। मोदी सरकार बार बार फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज उठा चुकी है, लेकिन शपथ के दौरान दूसरे देश का जयकारा लगाना ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने पॉलिटिक्स का कौन सा गियर लगाने की कोशिश की है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मगर पहले देखिए कि ओवैसी पर तमतमाए नीतीश राणे किस तरह शब्दों की मर्यादाएं लांग। हिंदू राष्ट्र की काय ताकत है ये आम्ही दाखवायला तयार आहे। अशा ओवैसी की जीभ छाटून करमळचं भर चौकात त्याला उभं करायला पाहिजे। आणि हे कोण अगर छाटणार असेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं आणि पारितोषिक घेऊन जावं। मोदी और मुसलमान के बाद फिलिस्तीन ओवैसी का फेवरेट टॉपिक बन गया है। चाहे संसद में हो या संसद के बाहर, ओवैसी मजलिसों में भीड़ जुटाते हैं और भड़काऊ भाषणों के जरिए माहौल गरमाने की कोशिश करते हैं। ओवैसी का मकसद क्लियर है, उन्हें किसी भी तरह मुसलमानों का समर्थन चाहिए और इसके लिए मजहब का सहारा वो लेते हैं। भड़काऊ तकरीरों के जरिए युवाओं के सामने ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसमें सच कम नैरेटिव ज्यादा होता है। चंद रोज पहले ईद के मौके पर भी ओवैसी ने 48 मिनट लंबी स्पीच दी जिसमें 5 मिनट तक वो फिलिस्तीन पर बोलते रहे, अपने हिसाब से किससे कहानियां सुनाई और उस एक्सपेरिमेंट को फिर दूसरे इलाके में आजमाना शुरू कर दिया। ओवैसी को लगता है कि ऐसा करने से वो मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा बन जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे, फिलिस्तीन की वकालत करते रहेंगे और इसराइल का विरोध करते रहेंगे। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो सियासत की जिस डगर में चल रहे हैं उसमें ऐसा करने पर नुकसान ज्यादा और फायदा कम है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे जिसमें 2 बुरी तरह हार गए। 9 उम्मीदवारों को उनकी पार्टी ने समर्थन दिया था लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी का वोट परसेंट 2024 में 0.22% रह गया। बावजूद इसके ओवैसी सियासत में फिलिस्तीन की एंट्री करा रहे हैं और इस बार संसद तक पहुंच गए। 12 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं, एक भी मस्जिद नहीं है वहां पर, गाजा में, राफा में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिदों के मलबों के सामने खड़े होकर मैं सलाम करता हूं उन फिलिस्तीनियों को कि मस्जिदों के मलबे के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर बोल के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। जहां ओवैसी वहां कंट्रोवर्सी, यही भाईजान की पॉलिटिक्स का नया फॉर्मूला है। भले ही उनकी सियासत का दायरा हैदराबाद तक सीमित रह गया है लेकिन जिस तरह से सुर्खियों में आए हैं उससे ये तय है कि आगे भी ओवैसी और विवाद एक सिक्के के दो पहलू के तौर पर रहेंगे। ओवैसी को मालूम है अगर जुबान जहरीली नहीं रखी तो उनकी सियासत की दुकान भी बंद होते देर नहीं लगेगी। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय भीम
जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया था बीजेपी के, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो सुन लीजिए ना, वो करते हैं उनको वैसे ओवैसी ही नहीं दूसरे दलों के नेताओं ने भी नारों और जयकारों से ध्यान खींचा। शुरुआत ओवैसी ने की जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने अपने ही अंदाज में सांकेतिक तौर पर जवाब दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। हिंदू राष्ट्र, ये संविधान विरोधी है। नमोबुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। वैसे अरुण गोविंद की शपथ के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम लेकर जय अवधेश की आवाज लगाई, मगर ऐसे किसी भी नारों पर एतराज नहीं जताया गया। ओवैसी इसलिए बुरे फंसे हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी फिलिस्तीन को लेकर है और शिकायत करने वाले बीजेपी के सांसदों के अलावा दो वकील भी हैं जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया है। अब ओवैसी का फ्यूचर क्या रहने वाला, इसके लिए सिग्नल राष्ट्रपति की तरफ से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।